तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। भूल भुलैया 2 भाई ये वो फिल्म है जिसे कि आप एक बार देखकर तो रह नहीं सकते। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है जिसे कि आप जितना भी बार देख लो आपका मन नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक शटर आइलैंड जैसी फिल्म होती है ना यार, जो कि स्टार्टिंग से धीमी से चलती है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ के क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट देती है कि आप मजबूर हो जाते हो फिल्म के पीछे जाकर फिर से एक बार वो सारे कैरेक्टर और उनका एक्शन रिएक्शन को देखने के लिए। वैसा ही कुछ कांड इसमें भी हुआ है। हाँ, लेकिन अब आप ये मत कहने लग जाना कि इसका कंपैरिजन शटर आइलैंड से कर रहा है या उससे कोई कनेक्शन जोड़ रहा है। नहीं भाई, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे और ना ही इन दोनों का स्टोरी को सेम बता रहे हैं। ये दोनों का स्टोरी तो बहुत अलग है। एक का स्टोरी एक मरीज की है तो दूसरे का स्टोरी एक काला जादूगरनी की है। मतलब समझ रहे हो ना, हम तो बस शटर आइलैंड को लेकर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे शटर आइलैंड में लियोनार्डो भाईसाहब का कैरेक्टर कुछ और होता है पर नकल वो किसी और कैरेक्टर का कर रहे होते हैं, वैसे यहाँ मंजुलिका का कैरेक्टर एक काला जादूगरनी की है पर वो अपनी बहन अंजुलिका की एक्टिंग कर रही है और रीत के परिवार के बीच रह रही है। मतलब जैसे हम शटर आइलैंड में लियोनार्डो भाईसाहब का असलियत जानने के बाद उनका पीछे का सीन फिर से एक बार देखने का मन बना लिए थे कि भाई ये तो एक पेशेंट था लेकिन देखने में एक डिटेक्टिव जैसे नकल कैसे कर रहा था, वैसे ही इसमें भी मंजुलिका का असलियत जानने के बाद फिर से थोड़ा बहुत मूड बन जाता है उस बात को जानने के लिए कि कैसे मंजुलिका काला जादूगरनी होते हुए भी अंजुलिका जैसे शरीफ बनकर इनके फैमिली के साथ रह रहा था। तो भाई बस यही एक कारण है जिसके वजह से हम सब ये फिल्म को एक बार देखकर तो रह नहीं सकते और फिर से एक बार देखकर अच्छे से इसका स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। पर अब आप सबको पता है ये फिल्म अभी OTT पर भी आ चुका है, इसीलिए हमने ये फिल्म को दोबारा देखा और सेकंड टाइम देखने के बाद कुछ ऐसी बातों को नोटिस किया जिसे कि आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक समझा और ये वीडियो बना दिया। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सारे सीन को देख लेते हैं जो सीन के हमें पहले से ही बता देना चाह रहा था कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अब जबकि मंजुलिका ही इस कहानी का मेन किरदार है तो चलो हम पहले इन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं और अंजुलिका के चेहरे के पीछे छुपने वाली मंजुलिका की सच को बाहर लाते हैं। छोटा पंडित जब दौड़ते हुए आकर खबर सुनाता है कि पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया तो वहां सबसे पहले अंजुलिका रिएक्ट करती है और ठाकुर साहब के पास जाकर कहती है कि कहीं किसी ने वो दरवाजा तो नहीं खोल दिया। फिर जब रोहन रीत की इस हवेली में रहने की आखिरी इच्छा के बारे में बात करता है तब भी अंजुलिका मंजुलिका के बारे में कहती है। इसके बाद जब रोहन खुद के परचाई के पीछे भागकर उस दरवाजे की तरफ जा रहा होता है तब भी अंजुलिका आकर रोहन को सतर्क करता है इस कमरे के पास न आने के लिए। और फिर दारू पीकर चाचा और रोहन उस दरवाजा को खोलते टाइम भी अंजुलिका ठाकुर साहब को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका थी और अगर रोहन या किसी और की गलती से वो दरवाजा खुल जाती तो अंजुलिका बाहर आ जाती और मंजुलिका की सज भी। यही बात से मंजुलिका डरती थी और जब कभी भी उस हवेली या उस कमरे की बात होती थी तो अंजुलिका बनकर रहने वाले मंजुलिका सतर्क हो जाती थी। ठीक है, तो देखो अब जो सीन हम देखने जा रहे हैं उसे देखकर आपको ये बेवकूफी से भरी या क्रिंज लग सकती है क्योंकि हम भी जब ये सारे सीन को देख रहे थे तो हमें भी वैसा ही लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये लोग कुछ भी दिखा रहे हैं। पर भाई असल में ऐसा नहीं है और वो क्यों कैसे हमें आगे पता चल जाएगा। ये सीन में भूतनी तबला ढोलकी हारमोनियम वगैरह ऊपर उठा लेती है और उसे शांत होने के लिए कहने पर वो मान भी जाती है। फिर ये सीन पर भूतनी पोटलू को उठा लेती है और यहाँ भी पोटलू को नीचे उतरने के लिए कहने पर वो मान जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये सच में मंजुलिका नहीं थी, ये अंजुलिका थी और अपने परिवार को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कुछ भी ऐसे कांड नहीं करती थी जिससे कि रीत या उसके परिवार को दुख मिले। अरे तभी तो रीत उस कमरे के अंदर कुछ देर रहने पर भी उसे बुद्ध कुछ नहीं करती, वो तो भाई बस अपना सच बताना चाहती थी इसीलिए ऐसा हरकतें कर रही थी। लेकिन बस इतना ही सीन नहीं है जिसमें हमें ऐसा फीलिंग्स आया हो, ऐसा कुछ और भी सीन्स है जैसे कि ये सीन। भूत छोटा पंडित को हल की तरह पीटती है, बड़ा पंडित का कान टिक करती है, लज्जो के साथ खेलती है, रोहन को भूत होने का प्रूफ देने के लिए पैर को भी उल्टा करती है। ये सब भी देखकर वही सवाल मन में उठ रहा था कि भाई ये भूत है कि क्या है जो उसे भूतनी समाज का इज्जत का मजाक उड़ा रहा है। हाँ, पर जबकि ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए इतना तो चलता है, इसीलिए हम इसे खराब सीन बोल भी नहीं सकते। खैर, अब इन सब के अलावा भी हमने कुछ और सीन भी नोटिस किए जैसे कि रोहन रीत के चाचा भाभी और बाबूजी को पहली बार देख के कैसे पहचाना फेसबुक से, कुंवर साहब अंजुलिका को कैसे पहचानते थे हेयर स्टाइल को देख के, एक बाल खुली रखती थी तो दूसरा चोटी बनाती थी, क्लाइमेक्स में रोहन के अंदर भूत नहीं घुसा था वो वैसा एक्टिंग कर रहा था और इसे और रियल दिखाकर मंजुलिका को यकीन दिलाने के लिए रीत के चाचा और रिश्तेदार को मारता भी था पर वो भूत नहीं था, इसीलिए आप अगर देखोगे तो रोहन का आवाज भी तब नॉर्मल सुनाई दे रहा था, नहीं तो भूत लोगों का वॉइस अलग सुनाई देता है ना भाई। हाँ, पर अगर उसके अंदर भूत नहीं था तो उसे शक्तियाँ कहाँ से मिल रहा था? तो भाई ऐसा है कि वो शक्तियाँ रोहन का नहीं अंजुलिका का था और अंजुलिका तो तभी रोहन के साइड में था इसीलिए वो अपना पावर का यूज करके सच को बाहर लाने के लिए रोहन का मदद कर रहा था। फिर इसमें हम भूत को थैंक यू कहते हुए देखते हैं, भूत का ये क्यूट स्माइल देखते हैं। मतलब बाकी भूतों फिल्मों में भूतनी की हंसी कुछ और टाइप की होती है ना भाई, और इन सबसे भी जो हमें थोड़ा हटके लगा वो है छोटा पंडित का गाना बेख्याली। अब अगर वो मिस कर दिया है तो फिर से जाकर सुनो, मजा आएगा। तो भाई बस ये था कुछ छोटी मोटी डिटेल्स जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है, क्या आपने भी ये सारे डिटेल्स को नोटिस किया था, हमें कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।